नमस्कार, मैं हूं रविशंकर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल कैपिटल न्यूज। सबसे पहले अटूट रिश्तों का पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। दर्शकों, भारतीय संस्कृति में राखी को महज रेशम का धागा नहीं बल्कि एक संकल्प सूत्र के रूप में देखा जाता है। संकल्प बहन की रक्षा का, उसके सम्मान और अस्तित्व को बनाए रखने का, बहनों की उम्मीदों और विश्वास को जगाए रखने का। रक्षाबंधन को भाई बहन के स्नेह और भरोसे के त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है। इस रक्षाबंधन पर भाई बहनों के अनंत प्रेम और उत्साह का नज़ारा भी चहुंओर देखने को मिला। बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना की और अपने लिए हमेशा हर दौर में हर परिस्थिति में साथ निभाते रहने का वचन भी लिया। इस उत्सव पर बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा था। सभी इस पवित्र त्यौहार के भंवर में डुबकी लगाते नजर आए। माथे पर तिलक चंदन लगाकर भाइयों की आरती उतारी गई और कलाई पर रंग बिरंगी राखियों को सजाकर भाई बहनों ने अपने अपने तरीके से रक्षाबंधन को सेलिब्रेट किया। मौजूदा दौर में बहनें अपने भाइयों से अपने सम्मान के साथ साथ हर महिला का सम्मान करने की शपथ चाहती है। झूठी इज्जत के नाम पर ऑनर किलिंग नहीं बल्कि अपने फैसलों में भाई से भरोसे की दीवार चाहती है। चाहती है कि भाई उसे सम्मान के साथ जीवन की उड़ान भरने के लिए खुला आसमान भी दे। वह यह कतई नहीं चाहती कि उसकी सुरक्षा का संकल्प सूत्र उसके ही पैरों की बेड़ियां बन जाए। तो आइए एक बार फिर हम सब अपनी बहनों के लिए इस संकल्प को दोहराएं कि आज़ाद और उन्मुक्त गगन में उड़ने का जितना हक भाइयों को है उतना ही बहनों को भी हम दें। इस रक्षाबंधन पर हम बहनों को यही तोहफा दें और कामना करें कि उनकी उम्मीदें और भरोसे को कभी टूटने नहीं देंगे। रविशंकर का नमस्कार।